हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में दिखाऊंगा विदाउट सॉफ्टवेयर के आप किसी भी पीडीएफ पासवर्ड को आसानी से रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंट्रो के बाद। पहले मैं आपको पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो आप माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पासवर्ड मांग रहा है। ये एक्चुअली आधार का पाम पीडीएफ है, तो इसको मैं काट देता हूँ। काटने के बाद यहाँ से वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद आप सिंपली गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इसको मैं स्मॉल साइज कर लेता हूँ। स्मॉल साइज करने के बाद इसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद फिर से मैं उसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद आधार पीडीएफ का जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो ही डाल देता हूँ। तो पीडीएफ का ओरिजिनल पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, पहले ही बोला था ये आधार का पीडीएफ है, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। उसके बगल में है डाउनलोड का लोग आइकॉन है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप सिंपली प्रिंट पर क्लिक कीजिए। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर शो करेगा, तो उस प्रिंटर नेम पर क्लिक कीजिए। प्रिंटर नेम पर क्लिक करने के बाद सेव एज पीडीएफ, सेव एज गूगल ड्राइव और सी मोर पर और भी ऑप्शन है, तो सब कुछ छोड़ के आप सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कीजिए। सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे सिंपली देखिए सेव पर ऑप्शन है, तो आप सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल चूज कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे रहा हूँ BM Tech Time, ठीक है, BM Tech Time PDF। तो BM Tech Time PDF लिख के आप सिंपली आप सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद इसको मैं क्रॉस पर क्लिक करके मैं इसको काट देता हूँ। ये देखिए मेरा दोस्तों जो पीडीएफ है वो सेव होके आ गया, तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यस, ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ओपन हो गया और पासवर्ड भी नहीं मांगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सफर यही तक था। मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।